सर आज का जो प्रोग्राम था भूमि पूजन, वो किस चीज़ को लेकर था? आज भूमि पूजन है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लिया है कि सारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, और मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, कि जिन्होंने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका था, मैं किस कारणों से हुआ था उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मात्र 10-11 महीने के अंदर जिस प्रकार उन्होंने अपने सीनियर मंत्रियों को ला करके उनकी समिति बनाई और एक पूरे देश का एक अध्ययन करके एक नई औद्योगिक नीति की उन्होंने चर्चा की, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी किया, पूरे देश भर में रोड शो किए, और रोड शो केवल औपचारिकता नहीं हुई बल्कि पहली बार हुआ है कि रोड शो में 1-to-1 किया है, देश के तमाम उद्योगपतियों के साथ, चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, सबके साथ बैठ करके हम लोगों ने 1-to-1 किया है, जिससे उनकी जो इच्छाएं हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, जिस प्रकार कहां उन्हें लैंड चाहिए, क्या वो किस प्रकार का उद्योग लाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब की बार उद्योग नीति में सही चाहे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा वो सारी है कि वो रोजगार आए, वो उद्योग आए जिनमें रोजगार के अवसर ज्यादा हो। तो उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, उपभोक्ता बड़ा उपभोक्ता प्रदेश भी है, बहुत सारी उद्योग की संभावनाएं हैं, तो ये मैं प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि ऐसा उत्तर प्रदेश जहां ज़्यादा निवेश हो और एक नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर हो, प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। सर, आजकल की जो सबसे ज़्यादा समस्या है युवाओं को लेकर, चाहे नौकरी के, क्या उस पर भी कोई बातचीत? नहीं, ये सारा सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है कि इस प्रकार माने मुख्यमंत्री जी ने इन चीज़ों को फोकस किया है, उद्योग आए तो उद्योग में जिस प्रकार की कैटेगरी रखी गई है वो जितना रोजगार के अवसर होंगे उसी प्रकार की ज़्यादा सब्सिडी और तमाम चीज़ें उद्योग को रखी गई हैं, और मैं कह सकता हूँ रोजगार परख और रोजगार सृजन करने वाले उद्योग ज़्यादा हैं, ये मुख्यमंत्री की भी प्राथमिकता है।